हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। और आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ टर्किश शो जिसका नाम है यकोमोस S245, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है नेटफ्लिक्स के एक दूसरे शो इंटू दी नाइट से। लेकिन अगर आप लोगों ने इंटू दी नाइट्स नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग डायरेक्टली यकोमोस S245 भी देख सकते हो। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है। इसमें टोटल 7 एपिसोड्स है जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 40 से 50 मिनट्स के बीच में ही है। और शो की कहानी स्टार्ट होती है अरमान से, जो कि एक मरीन बायोलॉजिस्ट है। अब अरमान उसकी एक्स गर्लफ्रेंड डेफने और कुछ क्रू मेंबर्स के साथ के रिसर्च मिशन पर जाता है। और वही दूसरी तरफ सन में तूफान आता है और वहां से गामा रेडिएशंस निकलते हैं जो कि अर्थ पर आ रहे होते हैं। उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये शो देखना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट्स, आप उतना ही एक्सपेक्ट लगाओ जितना वो सामने वाली चीज़ आपको डिलीवर करने का प्रॉमिस करती है। अगर आप लोग ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो वो चीज़ आपको उतना मज़ा नहीं देगी, लेकिन अगर आप लोग नॉर्मल एक एवरेज एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो वो आपको उससे भी ज़्यादा मज़ा देती है। और ये शो मुझे इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि मैंने ज़्यादा होप नहीं लगाई थी शो में। कैरेक्टर्स की बात को तो उनको ठीक ठाक के रखा, कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से लिखा है नहीं। उसके अलावा शो में ब्लेम गेम्स और कुछ सीक्रेट्स इस तरह से रखे गए कि जैसे ही वो एंड में रिवील होते तो आपको काइंड ऑफ शॉकिंग फील होता है। सिनेमेटोग्राफी की बात करेंगे तो वो जो टेंशन बिल्ड किया है वो लोगों ने हर एक एपिसोड में, वो आपको मजबूर करेगा कि भाई इसका नेक्स्ट एपिसोड में आखिर होगा क्या। जहाँ पर इसका 7th एपिसोड खत्म होता है वहाँ से आप लोग क्यूरियस हो जाते हो कि इसके नेक्स्ट सीजन में क्या देखने को मिलेगा। सभी एक्टर्स ने ओके काम किया, मतलब आउटस्टैंडिंग नहीं किया, ठीक ठाक काम किया। शो की अगर नेगेटिविटी की बात को तो कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पर डम और फ्लैट लगे, मतलब एकदम भाइयत लगे। और वो जो सबमरीन के जितने भी वो ऑफिसर्स थे वो लोग तो मुझे ज़रूर से ज़्यादा इमोशनल लगे। मतलब यार आप मरीन ऑफिसर्स हो तो आप लोग कितने स्ट्रांग होते हो, आप लोग इमोशनली इतने ज़्यादा वीक नहीं होते कि आपके साथी लोग अगर डेथ हो गई तो आपने उसको इतने अनदर लेवल पे लेके चले गए। भाई इस तरीके की इंसिडेंट होते तो जहाँ पर डेथ होती है तो उसमें आप लोग इतना ओवर रिएक्ट नहीं कर सकते जितना यहाँ पर वो मरीन ऑफिसर्स लोगों ने किया था, जो कि मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा था। उसके अलावा शो ज़्यादा बजट वाला नहीं लगता है। एंड अगेन सन जब डिज़ास्टर कर रहा है तो वो डिज़ास्टर एज एन ऑडियंस आपको उतना फील नहीं होता है उतना, मतलब यहाँ पर दिखाया भी नहीं। और ये सेम चीज़ हमें इनटू द नाइट्स में भी फील हुई थी, एटलीस्ट मुझे फील हुई थी। तो ओवरऑल मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि ये शो अच्छा है, अगर आप लोग ट्राई करना चाहो तो ज़रूर करना। मैं इस पर्टिकुलर शो को रेटिंग दूंगा 6.8 out of 10। और अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात करूँ तो शो में एक अश्लील सीन्स है बस, उसके अलावा कुछ ऐसी खास चीज़ है नहीं। आप लोग घर पर चाहो तो इस शो को देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।